जय हिंद दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप सब। हम लोग कंप्रेसर और गैस टरबाइन का जो है हम लोग का RS खुरमी का डिस्कशन फिनिश हो गया था। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टीम बॉयलर एंड इंजन का। स्टीम बॉयलर और इंजन का हम लोग का नया टॉपिक हुआ जो कि थर्मोडाइनमिक से रिलेटेड है। अभी तक हम लोग का थर्मोडाइनमिक से चल रहा है, इसके बाद भी जो एक चैप्टर बच जाएगा हम लोग का वो है HMT एंड RSE, है ना, हीट एंड मास ट्रांसफ़र और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो भी थर्मोडाइनमिक से ही रिलेटेड है। मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि सबसे पहले मैं थर्मोडाइनमिक का पूरा कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद ही मैं आगे जा करके जो भी है इंजीनियरिंग मटेरियल, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो लास्ट में तीन जब बचेंगे वो मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक, उसके बावजूद भी इसमें जो एक और थर्मोडाइनमिक से कुछ अगर रिलेटेड बोल सकते हैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी है, क्योंकि उसमें भी हम लोगों को इंजन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, तो थर्मोडाइनमिक्स जितने रिलेटेड है स्टीम बॉयलर एंड इंजन के बाद HMT RSE, और उसके HMT एंड RSE एक ही साथ होगा क्योंकि RS खुरमी में एक ही साथ दिया हुआ है, और उसके बाद जो ऑटोमोबाइल करवाऊंगा, उसके बाद जो लास्ट दिन का सब्जेक्ट जो होगा हम लोग का टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है उसका, वो मैं उसको लास्ट में करवाऊंगा। ठीक, तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं स्टीम बॉयलर एंड इंजन, पहले मैं स्टीम बॉयलर के और इंजन के बारे में कुछ कुछ फैक्ट और फिगर बता दूंगा, है ना, उसके बाद ही इसमें कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत अलग अलग तरह के हम लोग का जो है बॉयलर यहाँ पर देखे जाएंगे, उसके प्रॉपर्टीज कहाँ यूजेज है, कितना डायमीटर किसका हम लोग ले रहे हैं, फायर ट्यूब का या फिर वाटर ट्यूब का। स्टीम बॉयलर जनरली होता क्या है, स्टीम बॉयलर है स्टीम का जनरेशन करने के लिए, ताकि हम लोग जो है स्टीम पावर प्लांट में उसको यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टीम जनरेशन करवाते हैं, पानी से पानी को गर्म करके हम लोग क्या करते हैं स्टीम को जनरेट करवा के और हम लोग टरबाइन पे उसको छोड़ते हैं। तो हम लोग का टरबाइन का ब्लेड क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिससे कि हम लोग का पावर का जनरेशन होता है। तो सभी स्टीम बॉयलर का जो है अलग अलग यूजेज है, कहाँ पर यूज करेंगे, किस हिसाब से यूज करेंगे, कितना एरिया लेगा, कितना क्या उसका प्रॉपर्टी है, सभी चीज़ हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद ही इसका जो है ऑब्जेक्टिव उतरेंगे। नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि उसका कितना डायमीटर था, उसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे थे, ये सब चीज़ बहुत दिक्कतें आती है। एक स्टीम बॉयलर जो है बहुत ही अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पर। सबसे पहले तो है हम लोग का फायर ट्यूब या फिर स्मोक ट्यूब बोल सकते हैं, फायर ट्यूब या फिर स्मोक ट्यूब, और एक होता है हम लोग का वाटर ट्यूब। ठीक, फायर ट्यूब और स्मोक ट्यूब कहने का मतलब है जो भी हम लोग का फायर जो होगा वो ट्यूब के अंदर होता है और वाटर का सप्लाई बाहर से होता है। कहने का मतलब है जो भी फायर हम लोग का होगा, फायर जो हम लोग देंगे वो पाइप के अंदर देंगे, पाइप के अंदर में देते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्या फायर ट्यूब बॉयलर का, तो ये अगर मान लेते इस तरीके से बहुत बहुत अलग अलग जो है हम लोग का ट्यूब्स बना रहता है। तो फायर क्या करते हैं, ये हम लोग का जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये इसमें क्या करते हैं फायर देते हैं। ठीक, अंदर ट्यूब के अंदर इसमें हम लोग फायर डालते हैं, और ये किससे सराउंडेड रहता है दोस्त, ये हम लोग का सराउंडेड रहता है वाटर से। ये जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूँ, ये जो है पानी से पूरा सराउंडेड है ये ट्यूब। इससे क्या होता है, पानी जो है ट्यूब के कॉन्टेक्ट में आता है, और क्या होता है पानी ट्यूब के कॉन्टैक्ट में आने के कारण गर्म होता है, और वो क्या होता है स्टीम में जाकर के कन्वर्ट होता है, और फिर हम लोग उसको जो है अलग अलग चीज़ों के लिए पावर जनरेशन का यूज करते हैं हम लोग। अगर सेम बात कर ले, ये तो हो गया हम लोग का फायर ट्यूब या फिर स्मोक ट्यूब कह सकते हैं, जो मैंने बोला फायर ट्यूब या फिर स्मोक ट्यूब एक ही चीज़ है, अगर कोई एग्जाम में पूछे तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, अगर बात करें वाटर ट्यूब का, जस्ट इसका उल्टा होता है, वाटर ट्यूब क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें भी ट्यूब्स रहते हैं बहुत सारे। इसमें क्या होगा, इसमें पानी क्या होगा हम लोग का वाटर जो है ट्यूब्स के अंदर रहेगा, और फायर जो है ट्यूब के बाहर रहेगा, है ना, फायर जो है सराउंडेड बाई ट्यूब्स होगा। ठीक, ये चीज़ जस्ट इसका जो है फायर ट्यूब का उल्टा जो हम लोग का क्या होता है वाटर ट्यूब। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग जो है अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे फायर ट्यूब बॉयलर कहाँ यूज करेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर यूज कहाँ यूज करेंगे,
फायर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत कौन कौन सा बॉयलर आता है, वाटर ट्यूब के अंतर्गत कौन कौन सा बॉयलर आता है, सभी चीज़ें हम लोग को इसमें देखने हैं, है ना। और इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस बहुत इससे देखे गए हैं और आगे भी देखे जा सकते हैं, इसलिए इसको जो है थोड़ा बढ़िया तरीके से थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तो पहले जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा जो जो बॉयलर का, पहले मैं उसके बारे में बता दूंगा, उसके बाद उस बॉयलर का क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आप लोगों को बढ़िया समझ आएगा जैसा कि मैं हर एक टॉपिक में क्या करता हूँ, ठीक। चलिए तो आज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उससे मैं आज शुरू करने वाला हूँ बिना कोई टाइम लिए हुए। चलिए आते हैं, फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ स्टील यूज फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम इज कॉल्ड, बोल रहा है कोई भी क्लोज्ड वेसल, कोई भी एक क्लोज्ड वेसल जो कि स्टील से बना हुआ है और किसके लिए क्या काम में आ रहा है, जनरेशन ऑफ स्टीम के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्टीम बॉयलर, जिसका हम जो कि हम लोग का टॉपिक है स्टीम बॉयलर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, स्टीम बॉयलर इसको कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड स्टीम बॉयलर इज वन विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टीम विथ गिवन फ्यूल, तो गुड बॉयलर हम लोग किसको बोलेंगे कि हम लोग का मैक्सिमम पावर जनरेशन करे जो भी हम लोग फ्यूल दे रहे हैं उससे, तो ये एग्री है हम लोग, ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें, ये सब क्वेश्चंस देखे भी नहीं जाते हैं, लेकिन जनरली जो सिंपली दिया हुआ है तो हम लोग पढ़ करके निकलेंगे। थर्ड नंबर, द सिलेक्शन ऑफ टाइप एंड साइज ऑफ स्टीम बॉयलर डिपेंड ऑफ, है ना, सिलेक्शन किस पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि टाइप और साइज ऑफ स्टीम बॉयलर किस पे डिपेंड करना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला सभी बॉयलर का अलग अलग अपना अपना प्रॉपर्टीज है और हम लोग का ज्योग्राफिकल कंडीशन भी अलग अलग होते हैं, सभी प्लेसेस का ज्योग्राफिकल कंडीशन एक जैसा नहीं होता है, कहीं पे जगह ज़्यादा, कहीं पे जगह कम, कहीं पे पानी का मात्रा ज़्यादा, कहीं पे पानी का मात्रा कम, इस हिसाब से कहीं पे फ्यूल के हिसाब से अवेलेबल है, उस हिसाब से भी हम लोग देखते हैं कहाँ पे हम लोग का पावर जनरेशन किस हिसाब से चाहिए वो चीज़। तो पहला नंबर जो है हम लोग का द पावर रिक्वायर्ड एंड वर्किंग प्रेशर, तो करेक्ट है, कितना पावर रिक्वायर्ड चाहिए और कितना हम लोग का वर्किंग प्रेशर चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। ज्योग्राफिकल पोजिशन ऑफ पावर हाउस, है ना, ज्योग्राफिकल पोजिशन कि वहाँ का जो है लैंड के अगल बगल या फिर लैंड का पोजिशन क्या है, वो ज्योग्राफिकल पोजिशन वो देखेंगे। और फ्यूल और वाटर अवेलेबल, द फ्यूल कैसा हम लोग का फ्यूल वहाँ अवेलेबल है, न्यूक्लियर पावर फ्यूल है, हाइड्रो पावर, ये हम लोग का या तो कोल अवेलेबल है, तो फ्यूल किस हिसाब से अवेलेबल है और वाटर हम लोग का अवेलेबिलिटी किस हिसाब से है, तो हम लोग का ये जो है डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर होगा, डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव, है ना। इन तीनों चीज़ों से हम लोग देख सिलेक्शन करेंगे टाइप और साइज ऑफ स्टीम बॉयलर, है ना, इसी पे डिपेंड करता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। देखिए फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, इन अ फायर ट्यूब बॉयलर द वाटर इज कंटेंट इनसाइड द ट्यूब विच आर सराउंडेड बाय फ्लेम्स ऑफ हॉट गैसेस फ्रॉम आउटसाइड। फायर ट्यूब मैंने क्या बोला, फायर ट्यूब जो है मान लेते हैं अगर ट्यूब है बहुत सारा हम लोग का, है ना, स्टीम बॉयलर जो है सिंगल ट्यूब बॉयलर भी हो सकता है, मल्टी ट्यूब बॉयलर भी हो सकता है, वो आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा जो है बॉयलर हम लोग का सिंगल ट्यूबुलर बॉयलर है और मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है, वो हम लोग आगे जाकर के देखेंगे। तो बोल रहा है फायर ट्यूब बॉयलर में वाटर इज कंटेंट इनसाइड दैट ट्यूब, फायर ट्यूब बॉयलर में क्या बोल रहा है, वाटर जो है इनसाइड रहता है और विच आर सराउंडेड बाय फ्लेम्स, और बाहर में जो है फ्लेम से हम लोग का कवर्ड रहता है। तो मैंने क्या बोला था, फायर ट्यूब बॉयलर केस में हम लोग फायर जो है इसमें ट्यूब के अंदर रहेगा ना कि ट्यूब के बाहर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का फोर्थ का फॉल्स नंबर है, ये फोर का जो है बी नंबर हम लोग का यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, सिक्स क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया यहाँ पर, चलिए कोई नहीं, फिफ्थ नंबर मैं करवा दूंगा, है ना, वो वाटर ट्यूब बॉयलर का था। ये सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, अब फायर ट्यूब बॉयलर कौन सा है और वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा है, इसमें बहुत दिक्कत होती है, इसमें जो है बहुत ही दिक्कत होती है, इसको मैं कन्फ्यूजन में अभी एक सेकंड में क्लियर कर दूंगा, अभी का अभी मैं एक सेकंड में क्लियर कर दूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ फायर ट्यूब स्टीम बॉयलर और दूसरी तरफ है हम लोग का वाटर ट्यूब स्टीम बॉयलर, वाटर ट्यूब स्टीम बॉयलर, ऐसा बता दूंगा मैं कि आपको कोई ट्रिक कुछ नहीं याद रखना है, एक बार में ही आप लोग याद रखे जाएंगे और आप लोग भूलेंगे भी नहीं कभी, ठीक। और दूसरे क्वेश्चन भूल सकते हैं लेकिन आप इसको जो है चाह कर भी आप नहीं भूल सकते। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं फायर ट्यूब स्टीम बॉयलर, फायर ट्यूब स्टीम बॉयलर में सबसे पहले आता है हम लोग का, अच्छा वो दिख नहीं रहा बढ़िया से,
रेड कलर लेता हूँ। फर्स्ट नंबर में जो है हम लोग का, फर्स्ट नंबर में फायर टी स्टीम बॉयलर का केस में अगर लेते हैं तो हम लोग का है सिंपल वर्टिकल बॉयलर, सिंपल वर्टिकल बॉयलर। दूसरा लैंकशायर बॉयलर, तीसरा कॉर्निश बॉयलर, चौथा लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, छठा वेलकन बॉयलर, वेलकन बॉयलर, और सातवां जो है जाएगा हम लोग का, एक कौन बच गया हम लोग का, सिंपल वर्टिकल बॉयलर हो गया, लैंकशायर बॉयलर हो गया, कॉर्निश बॉयलर है, लोकोमोटिव, वेलकन, और एक जो बच गया हम लोग का यहाँ पर जो है स्कॉच मेराइन बॉयलर, स्कॉच मेराइन बॉयलर। तो ये सात बॉयलर जो है फायर ट्यूब के अंतर्गत आता है, सिंपल वर्टिकल बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, ये फिर आपका लैंकशायर बॉयलर, वेलकन बॉयलर, स्कॉच मेराइन बॉयलर, ये सात। और अगर बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर का, अगर वाटर ट्यूब बॉयलर का बात करें तो यहाँ पर हम लोग का आ जाता है पहला में लिखिए यहाँ पर स्टिरलिंग बॉयलर, दूसरा लेमंट बॉयलर, तीसरा बेंसन बॉयलर, चौथा बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, पांचवा लॉयफ्लर बॉयलर, छठा एरो बॉयलर। ठीक, तो ये क्या होता है, इतना बॉयलर जो हम लोग देखें इसमें क्या होगा, सभी लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कि कौन सा बॉयलर किसके अंतर्गत आता है, फायर ट्यूब है, स्टीम या फिर वाटर ट्यूब है। अभी आप लोग देखिए फायर ट्यूब के अंदर सात है, वाटर ट्यूब के अंदर छः है, कैसे ही उसको याद रखेंगे, बहुत ही मतलब ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए मैं एक मिनट में अभी इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, इसको मैं एक मिनट में सॉर्ट आउट कर दूंगा। ध्यान दीजिए, फायर ट्यूब स्टीम बॉयलर में जितने में भी सी आएगा, सी देखिए सिंपल वर्टिकल बॉयलर सी आता है, लैंकशायर बॉयलर सी आता है, कॉर्निश बॉयलर सी आता है, लोकोमोटिव बॉयलर सी आता है, वेलकन बॉयलर सी आता है, स्कॉच मेराइन बॉयलर सी आता है। जितने भी बॉयलर में सी आएंगे नाम में, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, फायर ट्यूब बॉयलर या फिर स्मोक बॉयलर बोल सकते हैं, सिवाय एक को छोड़ करके जो कि हम लोग का बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, इसमें सी आता है लेकिन ये हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर है, ये हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर है, एक ही ऐसा बॉयलर है जिसमें सी आता है, बैबकॉक एंड विलकॉक्स, वो हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो इसको छोड़ के जो है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर को छोड़ करके हम लोग का जो है बाकी सारा जो फायर, बाकी जिसमें सी आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, फायर ट्यूब बॉयलर। बाकी और जितने में सी नहीं आते वो वाटर ट्यूब बॉयलर है, जैसे स्टिरलिंग बॉयलर, लेमंड बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लोयफ्लर बॉयलर, एरो बॉयलर, एक ही आता है सी, वाटर ट्यूब बॉयलर है, बैबकॉक एंड विलकॉक्स। ये ध्यान रखना है कि जिसमें सी आता है ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, क्या है वो, बैबकॉक एंड विलकॉक्स, बाकी जितने में सी आएगा वो हम लोग का फायर ट्यूब स्टीम बॉयलर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज और यहाँ ध्यान रखेंगे कि जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर है ये जनरली जो है ये इंटरनली फायर्ड रहता है। ये क्या है हम लोग का, इंटरनली फायर्ड। अभी मैं बता देता हूँ इंटरनली फायर्ड क्या होता है और एक्सटर्नली फायर्ड क्या होता है। मोस्टली देखा गया है क्या कि हम लोग का जो भी इसमें जो है, जो भी बॉयलर है फायर ट्यूब में, वो इंटरनली फायर्ड रहा। लेकिन अगर बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर का, तो ये मोस्टली नहीं बल्कि हमेशा जो है ये एक्सटर्नली फायर्ड ही रहेगा। ये हम लोग क्या है, एक्सटर्नली फायर्ड ही रहेगा, वाटर ट्यूब बॉयलर जो है एक्सटर्नली फायर्ड रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि इंटरनली फायर्ड बॉयलर क्या होता है और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर क्या होता है। तो इंटरनली फायर्ड बॉयलर ये होता है कि जो भी हम लोग का कंबसन होगा, कंबसन जो होगा वो हम लोग का अंदरूनी होगा इंटरनली, और एक्सटर्नली फायर्ड मतलब कहने का मतलब कंबसन जो है बाहर होगा,
कंबसन हम लोग का बाहर होगा। कंबसन कहने का मतलब जो भी हम लोग का हीट जो दे रहे हैं हम लोग ना पानी को स्टीम में बदलने के लिए, वो एक्सटर्नल होगा। और जो हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर होगा इसमें जो भी कंबसन जो प्रोसेस होगा वो इंटरनल होगा, ठीक, अंदरूनी होगा ये चीज़। तो फायर ट्यूब बॉयलर मोस्टली देखा जाता है, मोस्टली ये ऐसा नहीं है कि सभी बॉयलर जो है हम लोग का इंटरनली फायर्ड है, मोस्टली मोस्ट ऑफ द बॉयलर में हम लोग का इंटरनली फायर्ड रहेगा। लेकिन वाटर ट्यूब केस में अगर पूछेगा तो हम लोग का ये ऑलवेज जो है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर रहेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है कि कौन सा जो है वाटर ट्यूब बॉयलर है, कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है। आज के बाद आप लोग भूलेंगे नहीं, जिसमें सी आएगा एक्सेप्ट बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर वो हम लोग को फायर ट्यूब या फिर स्टीम बॉयलर बोल, फायर ट्यूब बॉयलर या फिर स्मोक बॉयलर बोल सकते हैं। और जिसमें सी नहीं आएगा वो हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। अब देखिए जिसमें सी आएगा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये लैंकाशायर बॉयलर होगा सी, यहाँ पर ये लैंकाशायर सी है। इसमें देखिए बैबकॉक एंड विलकॉक्स, तो ये मैंने बोला इसको छोड़ करके नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, एरो बॉयलर में सी आता नहीं, तो ए नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा लैंकाशायर बॉयलर। ए नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या, लैंकाशायर बॉयलर सिक्स का ए नंबर। आइए नेक्स्ट, फायर ट्यूब बॉयलर आर लिमिटेड टू मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑफ। अब फायर ट्यूब बॉयलर बोल रहा है कि मैक्सिमम जो है वर्किंग प्रेशर उसका कितना होगा, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर कोई भी जो है हम लोग का बॉयलर का सभी का मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर होगा और उसका मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा कितना वो दे सकता है, या फिर प्रेशर उसका कितना है स्टीम का। तो फायर ट्यूब बॉयलर केस में 1.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग का ये क्या है फायर ट्यूब बॉयलर का मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, अब वाटर ट्यूब बॉयलर पूछा है, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था इसमें सी आ रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें सी आ रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें सी आ रहा है तो ये नहीं होगा। लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर केस में मैंने बताया था कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर ही ऐसा बॉयलर जिसमें सी आएगा तो हम लोग का क्या होगा वाटर ट्यूब बॉयलर होगा। तो हम लोग का ये इसका जो है बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, बी नंबर। नेक्स्ट, इन फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर में बोल रहा है क्या हो जाएगा, फायर ट्यूब बॉयलर में मैंने बोला है ट्यूब के अंदर फायर होगा और पानी जो है उसके सराउंडिंग में होगा। तो देखिए द फ्लेम एंड हॉट गैसेस ऑफ द फ्लेम्स एंड हॉट गैसेस पासेस थ्रू द ट्यूब्स विच आर सराउंडेड बाय वाटर, है ना, क्या बोल रहा है इसमें, फ्लेम या फिर हॉट गैसेस जो है हम लोग क्या होगा ट्यूब में बहेगा और पानी जो है उससे सराउंडेड होगा। तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा बी नंबर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, नाइन का बी, नाइन का बी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात। इन वाटर ट्यूब बॉयलर, अब वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या हो जाएगा, तो वाटर ट्यूब पासेस थ्रू द ट्यूब, वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब विच आर सराउंडेड बाय फ्लेम्स एंड हॉट गैसेस, ए नंबर इसका करेक्ट होगा। जस्ट हम लोग का फायर, एक चीज याद रखिएगा दोनों, हम दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा, दोनों चीज याद करना भी मतलब याद कीजिएगा तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक ही चीज याद कीजिए और जस्ट उसका उल्टा उसको रिलेट कर दीजिए। देखिए व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अ बॉयलर इज बाय कन्वेक्शन करेंट विच आर सेट अप ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ वाटर देन द बॉयलर इज नोन एज। अब बोला जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर होगा कोई भी बॉयलर में वो कन्वेक्शन करेंट के जरिए होगा ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ वाटर, जब हम लोग हीट कर रहे हैं वाटर को तो वो जो हम लोग का जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर हो रहा है वो कन्वेक्शन करंट के जरिए हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर वो नेचुरली तरीके से हो रहा है, उसमें हम लोग को एक्स्ट्रा चीज हम लोग उसमें नहीं दे रहे हैं, वो जो हम लोग का वाटर का फ्लो हो रहा है या फिर स्टीम का जो भी फ्लो होगा जब हीट हो जब कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, है ना, तो वो कन्वेक्शन करंट के जरिए हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। नेक्स्ट आइए, व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अ बॉयलर इज बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, है ना, पंप हम लोग का कैसा डिवाइस है, पंप हम लोग का ये डिवाइस है जो कि क्या करता है हम लोग का लो प्रेशर से हाई प्रेशर में फ्लूड को, फ्लूड में भी हम लोग का वाटर को, है ना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में देने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल चीज यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं पानी को पहुँचाने के लिए, किससे, वो चीज क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो उस बॉयलर को क्या बोलेंगे, उस बॉयलर को बोलेंगे फोर्स सर्कुलेशन वाटर, क्या बोलेंगे फोर्स सर्कुलेशन वाटर, डी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा, फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, जहाँ के हम लोग कन्वेक्शन करंट से कर रहे थे तो वो नेचुरली हो रहा था, तो हम लोग उसको बोल रहे थे नेचुरल, ये हम लोग को हो रहा था बाय कन्वेक्शन करंट, ये नेचुरल चीज है, तो हम लोग का नेचुरल, इसमें हम लोग कोई मीन्स नहीं यूज कर रहे थे, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए
13 नंबर फायर ट्यूब बॉयलर सर। तो फायर ट्यूब बॉयलर सर मैंने बताया था कि जो भी वाटर ट्यूब बॉयलर होगा वो हमेशा हम लोग का क्या होगा, वो हमेशा हम लोग का एक्सटर्नली फायर्ड होगा, और जो फायर ट्यूब बॉयलर होगा वो हम लोग का इंटरनली फायर्ड होगा, वो हम लोग का क्या होगा, इंटरनली फायर्ड होगा। ये नेक्स्ट 14 नंबर वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर आर एक्सटर्नली फायर्ड। कॉर्निश बॉयलर और मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर बोल रहा है क्या, कॉर्निश बॉयलर हम लोग का कैसा बॉयलर है, तो पूछ रहा है पर मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है या सिंगल ट्यूबुलर बॉयलर है। तो जो कॉर्निश बॉयलर है हम लोग का, कॉर्निश बॉयलर वो हम लोग का सिंगल ट्यूबुलर बॉयलर है, ना कि मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है। भाई मैं आगे बताऊंगा कौन बॉयलर सिंगल, जो हम लोग का सिंपल वर्टिकल बॉयलर है वो सिंगल ट्यूब है, सिंगल ट्यूब में आता है, कॉर्निश भी सिंगल ट्यूब में आता है, ना कि मल्टी ट्यूब में। 16 नंबर इन नेचुरल सर्कुलेशन स्टीम अदर सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज बाय कन्वेक्शन करंट विच आर सेट अप ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ वाटर। ये जस्ट उसका मतलब कि स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दे दिया है ट्रू और फॉल्स, जो कि हम लोगों ने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में। इन फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर स्टीम बॉयलर द फोर्स इज अप्लाइड, तो फोर्स इज अप्लाइड टू सर्कुलेट द वाटर, है ना। जो भी फोर्स सर्कुलेशन हम लोग क्या यूज कर रहे थे, सेंट्रिफ्यूगल पंप यूज कर रहे थे, तो किसके लिए यूज कर रहे थे, तो वाटर को सर्कुलेट करने के लिए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर सेंट्रिफ्यूगल पंप यूज कर रहे थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स सर्कुलेशन स्टीम। इन ए लामंट बॉयलर देयर इज अ डैश सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम। तो लामंट बॉयलर में याद रखिएगा, है ना, लोफर से याद रख सकते हैं कि यह फोर्स जो है हम लोग का सर्कुलेशन ऑफ वाटर होगा, लामंट लोफर से याद रख सकते हैं, लोफर कोई भी आदमी लोफर होता है तो से लामंट बॉयलर और फर से हम लोग का फोर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट लैंकाशायर बॉयलर इज स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर, लैंकाशायर टाइप इज स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर। दो तरीके का बॉयलर हो सकता है, दो तरीके का बॉयलर होता है हम लोग का, जो कि पोजीशन के आधार पर बांटा गया, एक तो स्टेशनरी है, एक हम लोग का हम मोबाइल बॉयलर, है ना। स्टेशनरी कहने का मतलब उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर के जा सकते हैं, जो कि मोबाइल बॉयलर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लेके जा सकते हैं। जैसे कि जो लोकोमोटिव बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर, लैंकाशायर बॉयलर का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लोकोमोटिव बॉयलर जो हम लोग का एक मोबाइल बॉयलर है, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा सकते हैं। बाकी जो जितने मोस्टली हम लोग का स्टेशनरी बॉयलर है वो एक ही जगह हम लोग का क्या है, फिक्स रहता है। फिर लैंकाशायर बॉयलर भी हम लोग क्या है, स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट 20 नंबर वाटर ट्यूब बॉयलर प्रोड्यूस स्टीम एट अ डैश प्रेशर देन द फायर ट्यूब बॉयलर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वाटर ट्यूब बॉयलर जो है ज़्यादा, वाटर ट्यूब बॉयलर जो है प्रोड्यूस स्टीम करेगा लोअर या हायर प्रेशर देन दैट ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर, है ना। तो इसमें जो है ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि वाटर ट्यूब क्या होता है, वाटर ट्यूब जो है ट्यूब के अंदर जो है हम लोग का इसमें क्या होगा, पानी रहेगा, ट्यूब के अंदर जो है पानी रहेगा, और आग जो है इसके बाहर सराउंडेड रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम लोग का ट्यूब के अंदर पानी रहेगा, ट्यूब के अंदर जब पानी है और इससे सराउंडेड जब हम लोग का क्या है, हम लोग का यहाँ पर हॉट गैसेस या फिर आप लोग बोल सकते हैं हॉट गैसेस या फिर यहाँ पे जो भी फ्यूल जो बर्न होकर के आ रहा है, जो भी हम लोग हीट दे रहे हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरा में क्या हो रहा था हम लोग का, दूसरा में हम लोग का क्या हो रहा है कि जो फायर है वो बाहर है, सॉरी जो फायर है वो अंदर है और जो पानी है हम लोग का ये बाहर है। तो क्या हो रहा है इसमें क्या होगा, इसमें जो है स्टीम का प्रोडक्शन हम लोग का ज़्यादा होगा, स्टीम का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और जल्दी होगा इन कंपेरिजन टू फायर ट्यूब बॉयलर। चूँकि वाटर ट्यूब में हम लोग का पानी अंदर है जिसको हम लोग कन्वर्ट करना है पानी को स्टीम में, तो ये जो क्या है हम लोग का इसमें कॉन्टेक्ट हमेशा इससे बनाए रहता है, जैसे इसमें कि हम लोग क्या हो जाता है उल्टा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग का वाटर ट्यूब वाटर बॉयलर जो हम लोग का ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू फायर ट्यूब स्टीम बॉयलर, ठीक। नेक्स्ट आइए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम इज डैश इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। अब बोल रहा रेट ऑफ फ्लो मतलब कितना तेजी में बह सकता है एज कम्पेयर टू, हम लोग का पूछ रहा है कंपैरिजन नहीं पूछा है हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर, लेकिन कंपैरिजन वही किया है हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर से कि ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर प्रोड्यूस करता है हाइयर रेट पे, तो हम लोग का फायर ट्यूब का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा ही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 22 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो करेक्ट है हम लोग का, यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम लोग का करेक्ट है वो 3 नंबर जो है स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर कि सिंपल वर्टिकल बॉयलर हैज वन फायर ट्यूब। सिंपल वर्टिकल बॉयलर हम लोग का क्या आता है, एक ही ट्यूब का रहता है, तो ये हम लोग का सी नंबर करेक्ट है।
यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट मार्कर के मध्य यह गलत हो जाएगा। ठीक है, आर एस कुरु में बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग का ऑल ऑफ दीज वाला में हम लोग का ऑल ऑफ दीज ना होकर के वो हम लोग का अलग हम लोग का ऑप्शन होता है कोई तीन में से एक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल वर्टिकल बॉयलर हम लोग का वन फायर ट्यूब का होता है। और सिंपल वर्टिकल बॉयलर हम लोग जानते हैं क्या फायर ट्यूब बॉयलर है। नेक्स्ट पूछा वाटर ट्यूब बॉयलर ने सिंपल वर्टिकल बॉयलर है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सिंपल वर्टिकल बॉयलर में क्या हो रहा है कि हम लोग का वन फायर ट्यूब रहता है, लेकिन ये जो फायर ट्यूब, अच्छा वाटर ट्यूब का बात क्या है, पर जो भी हम लोग वाटर ट्यूब वहाँ पे फायर ट्यूब वन होता है, वाटर ट्यूब ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो जो वाटर ट्यूब होगा वो लोग उसको हम लोग इंक्लाइंड रखते हैं। कैसे रखते हैं, इंक्लाइंड रखते हैं। आइए अ कोकरन बॉयलर इज अ हॉरिजेंटल मल्टी ट्यूबलर बॉयलर, है ना। तो कोकरन बॉयलर भी हम लोग का जो है मल्टी ट्यूबलर बॉयलर नहीं है, ये भी सिंगल ट्यूबलर बॉयलर है। ये इम्प्रूव टाइप है हम लोग का सिंपल वर्टिकल बॉयलर का। फायर ट्यूब ना कोकरन बॉयलर जो लिए, देखिए यहाँ पर जो है हम लोग का क्या हो रहा है, कोकरन बॉयलर से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कोकरन बॉयलर और सिंपल वर्टिकल के बॉयलर में सिंपल वर्टिकल बॉयलर देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का सिंपल वर्टिकल बॉयलर जो हम लोग बार बार देख लेते हैं, सिंपल वर्टिकल बॉयलर, तीन चार पॉइंट है सभी में, सभी का याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सभी का अलग अलग प्रॉपर, इसलिए आप लोग को जो है इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो सिंपल वर्टिकल बॉयलर में पहला क्या है, ये सिंगल ट्यूब बॉयलर है, सिंगल फायर ट्यूब। इसमें क्या है, ये है हम लोग का लो प्रेशर जनरेट करने के लिए, लो प्रेशर। और कहां इसको यूज कहां करेंगे, जहां हम लोग का स्पेस जहां पे लेस होगा, जहां पर स्पेस हम लोग का लेस होगा वहीं पर हम लोग क्या करेंगे सिंपल वर्टिकल बॉयलर को यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर लो प्रेशर एंड इन स्मॉल क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जाए दूसरा हम लोग का कोकरन बॉयलर में देखते हैं, दो तीन पॉइंट इसमें भी है, इसको देख करके चलते हैं। कोकरन बॉयलर जनरली क्या है हम लोग का, ये इंप्रूव टाइप है किसका, तो सिंपल वर्टिकल बॉयलर का, है ना। इंप्रूव टाइप ऑफ सिंपल वर्टिकल बॉयलर, ये पहला या ध्यान रखना आप लोग, सिंपल वर्टिकल बॉयलर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, तो जनरली जैसे हम लोग देखे कि इंप्रूव टाइप है, तो इसमें भी हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंगल फायर ट्यूब हम लोग यूज करेंगे इसमें। ठीक, दूसरा क्या यूज कर सकते, देख सकते हैं, जैसे हम लोग जो भी फायर ट्यूब यूज कर रहे हैं उसका जो डायमीटर होगा, उसका डायमीटर जो होगा वो 62.5 mm का होगा, और जो ट्यूब हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग का 165 इन नंबर होगा, 165 होगा, 165 इन नंबर। ठीक, हम लोग क्या हो गया, इंप्रूव टाइप ऑफ सिंपल वर्टिकल बॉयलर, और डायमीटर जो है 62.5 mm का होगा जो भी हम लोग फायर ट्यूब यूज करेंगे, और उसका जो हम लोग का नंबर होगा 165 इन नंबर। और क्या है इसमें, इसका जो कंबसन चैम्बर है ये चीज ध्यान रखिएगा, एक कंबसन चैम्बर इज लाइंड विथ ब्रिक, ठीक, यह चीज जो सो कंबसन चैम्बर होगा जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं फ्यूल को जला रहे हैं, उसका जो है वो लाइंड होगा, मतलब कि वो किससे घिरा रहेगा, वो हम लोग का ब्रिक से घिरा रहेगा। चलिए, तो हम लोग का जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, द फायर ट्यूब इन अ कोकरन बॉयलर यूजुअली है, तभी मैंने बताया कि फायर ट्यूब में जनरली जो है हम लोग का क्या है 62.5 mm डायमीटर होता है, तो बी नंबर इसका हम लोग करेक्ट होगा, बी नंबर करेक्ट होता है। द नंबर ऑफ फायर ट्यूब इन अ कोकरन, तो अभी मैंने बोला 165, ये दो चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि डायमीटर इसका कितना होगा 62.5 mm, और नंबर अगर पूछेगा तो 165। ठीक, और इंप्रूव टाइप ऑफ वर्टिकल है, वर्टिकल बॉयलर है। अ ग्रेट इन अ बॉयलर इज अ प्लेस इन द कंबसन चैम्बर अपॉन व्हिच फ्यूल इज, सॉरी यहाँ कट गया है, यहाँ पर फ्यूल इज बर्नड है, फ्यूल इज बर्नड, बी यू आर एन टी बोल रहा है क्या, ग्रेट, ग्रेट क्या होता है, जहां पर हम लोग क्या होता है फ्यूल को हम लोग जलाते हैं, जिसके ऊपर रख के ऊपर हम लोग क्या करते हैं
कंबसन चैम्बर जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल जाता है, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया। तो ये हम लोग का क्या होगा स्टेटमेंट, ये हम लोग का स्टेटमेंट ट्रू है। एंड नेक्स्ट, द सेल ऑफ द कोकरन बॉयलर इज मेड हेमिस्फेरिकल। अभी मैंने बताया कि जो शेप जो अब अच्छा इसमें दूसरा कुछ पूछा है, जो सेल ऑफ कोकरन बॉयलर जो मेड हेमिस्फेरिकल, जो मतलब कि हेमिस्फेरिकल जो है कोकरन बॉयलर का सेल हम लोग क्यों बनाते हैं, है ना, टू गिव मैक्सिमम स्पेस एंड स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर। ये दोनों हम लोग का ए एंड बी जो है हम लोग का दोनों करेक्ट है। इसका सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। पूछा है हेमिस्फेरिकल क्यों बनाते हैं सेल कोकरन बॉयलर का, तो मैक्सिमम स्पेस और स्ट्रेंथ देने के लिए, और क्या है हम लोग का, और प्रेशर को होल्ड करने के लिए स्टीम का इनसाइड द बॉयलर। नेक्स्ट, द क्राउन ऑफ द फायर बॉक्स इज मेड हेमिस्फेरिकल इन ऑर्डर टू रेसिस्ट इंटेंस हीट ऑफ द फायर बॉक्स। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कॉकरन बॉयलर में क्या हो रहा है हम लोग का, कि हम लोग विथ स्टैंड प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर, है ना, प्रेशर को विथ स्टैंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं हेमिस्फेरिकल बना रहे हैं। तो वही चीज हो गया, क्राउन ऑफ द फायर बॉक्स इज मेड हेमिस्फेरिकल इन ऑर्डर टू रेसिस्ट इंटेंस हीट। जो भी हम लोग का हीट वहां पे पैदा हो रहा है उसको रेसिस्ट करने के लिए हम लोग जो क्राउन को फायर बॉक्स का क्राउन जो है हम लोग जो है हेमिस्फेरिकल शेप का बनाते हैं। द फायर ट्यूब इन अ कोकरन बॉयलर इज, अब बोल रहा है कोकरन बॉयलर में हम लोग का जो है फायर ट्यूब कैसा होगा। हम लोगों ने देखा उसमें सिंपल वर्टिकल बॉयलर में हम लोग का वाटर ट्यूब जो हम लोगों ने देखा वो इंक्लाइंड था, यहाँ पे फायर ट्यूब बोला गया है तो फायर ट्यूब यहाँ पर हॉरिजेंटल होगा और नंबर क्या होगा 165 इन नंबर होगा, 165 इन नंबर होगा, और हम लोग का डायमीटर कितना होगा 62.5 mm, है ना। नेक्स्ट, अ सिंगल एंडेड स्कॉच मेरिन स्टीम बॉयलर में हैव 1 to 4 furnaces व्हिच इंटर फ्रॉम एंड वन इनटू अदर एंड ऑफ बॉयलर। देखिए स्कॉच मेरिन बॉयलर में दो तरीके से होता है, सिंगल एंडेड और डबल एंड। ठीक, द सिंगल एंडेड में 1 से 4 furnaces हो सकता है और डबल एंडेड में 2 से 4 furnaces होता है दोनों तरफ। डबल इंडेड कहने का मतलब फर्नेस जहां से हम लोग हीट जो दे रहे हैं उसको दोनों तरफ से देंगे और दोनों तरफ 2 से 4 furnaces होगा, लेकिन अगर सिंगल इंडेड का बात करें स्कॉच मेरिन बॉयलर में तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का 1 से 4 होगा, ये करेक्ट है। स्कॉच मेरिन स्टीम बॉयलर हम लोग वहां यूज करते हैं जहाँ की मेरिन आप लोग जान रहे हैं हम लोग पानी में यूज करेंगे, है ना, तो पानी हम लोग समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए ये कोई भी पानी किसी भी तरह का हो, कोई पानी क्वालिटी हो, वो इसको विदस्टैंड कर सकता है, इसलिए हम लोग वहां पे स्कॉच मेरिन बॉयलर यूज करते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट, द फायर ट्यूब इन स्कॉच मेरिन बॉयलर। अब पूछा गया फायर ट्यूब स्कॉच मेरिन बॉयलर में, पहले तो ये बताइए हम लोग कि स्कॉच मेरिन फायर ट्यूब बॉयलर है या फिर हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर है या वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो स्कॉच मेरिन जो हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक, तो स्कॉच मेरिन ने पूछ रहा है फायर ट्यूब जो बॉयलर है हम लोग का वो हम लोग का हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकल होगा, इंक्लाइंड होगा, तो वो हम लोग का हॉरिजेंटल होता है। 32 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर है। द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल सेल ऑफ स्कॉच मेरिन बॉयलर वेरीज फ्रॉम, अब बोल रहा है डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल सेल पूछा गया स्कॉच मेरिन के केस में, तो ये हम लोग का 2.5 से 3.5 मीटर, 2.5 से 3.5 मीटर हम लोग का स्कॉच मेरिन का होता है। देखिए स्कॉच मेरिन के बारे में भी देख लेते हैं, स्कॉच मेरिन बॉयलर के बारे में भी देख लेते हैं, स्कॉच मेरिन से चूंकि बहुत क्वेश्चन आ रहा है, स्कॉच मेरिन बॉयलर सबसे पहले तो मैंने बताया है ना, कैन विथ होल्ड एनी एनी क्वालिटी ऑफ वाटर, कैन विथ होल्ड एनी क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक, दूसरा में यूज्ड फॉर मेराइन वर्क्स, तीसरा जो ड्रम हम लोग यूज करेंगे ड्रम ऑफ डाया, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ड्रम जो ही बोले ड्रम ऑफ डाया 2.5 से 3.5 मीटर प्लेस्ड हॉरिजेंटली, इस तरह से लिख लीजिए प्लेस्ड हॉरिजेंटली। अब इसमें क्या होता है, दो दो चीज होता है इसमें, एक सिंगल इंडेड फायर, तो सिंगल इंड लेंथ और डबल इंड लेंथ लिख लीजिए, सिंगल इंड लेंथ और डबल इंड लेंथ।
सिंगल इंड लेंथ होता है 3.5 मीटर और ये होता है 6.5 मीटर। ठीक, अब इसमें भी है हम लोग का सिंगल इंड में, मैंने हम लोग ने देखा क्या 1 to 4 बॉयलर यूज करते हैं, फर्नेस, सॉरी फर्नेस। और इसमें हम लोग यूज करेंगे 2 to 4 इसमें भी ऑन बोथ साइड। तो ये चीज तो फैक्ट जो था हम लोग का स्कॉच मेरेन बॉयलर के अंतर्गत था। क्या है, कोई भी क्वालिटी ऑफ वाटर विदस्टैंड कर सकता है, इसलिए इसका कम्पैक्टनेस और इसका जो है हम लोग का परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोग मेराइन वर्क में यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम भी हम लोग का स्कॉच मेराइन बॉयलर है। ड्रम ऑफ डायमीटर याद रखना 2.5 से 3.5 mm प्लेस्ड हॉरिजेंटली हमेशा। दो तरीके से हो सकता है, सिंगल इंड भी हो सकता है, डबल इंड भी हो सकता है। मतलब इसका जो है कंबसन जो फ्यूल का हो रहा है वो एक तरफ से हो रहा है या दोनों तरफ से हो रहा है। सिंगल इंड लेंथ का जो सिंगल इंड जो होगा उसका लेंथ होगा हम लोग का 3.5 मीटर, डबल इंड 6.5 मीटर। फर्नेस जो होगा 1 से 4 होगा नंबर और 2 से 4 होगा बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया था द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल सर्कल ऑफ सिलिंड्रिकल सेल ऑफ स्कॉच मेरेन बॉयलर, तो हम लोगों ने देखा क्या 2.5 से 3.5 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लैंकाशायर बॉयलर का आ गया है। ठीक, यहाँ पे क्या लैंकाशायर बॉयलर हम लोग जानते हैं क्या, ये हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर है और स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर। इंटरनली फायर्ड होता है हम लोग का मोस्टली बॉयलर, मोस्टली फायर ट्यूब बॉयलर, तो हम लोग का इंटरनली हो जाएगा। और ये जो हम लोग का हॉरिजेंटल बॉयलर, इसका जो फायर ट्यूब है हम लोग का हॉरिजेंटली रहता है, तो ये डी नंबर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, लैंकाशायर बॉयलर से और भी आगे जो क्वेश्चन है वो मैं अब नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगा, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो से मैं सबसे पहले मैं लैंकाशायर बॉयलर के बारे में बता दूंगा, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं, नहीं तो इसमें बहुत सारे बॉयलर है, सभी का प्रॉपर्टी अगर एक ही दिन में होगा तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो इसलिए जो भी जैसे कॉर्निस बॉयलर है या फिर सिंपल वर्टिकल बॉयलर है, तो सबसे पहले उसके बारे में जो है कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ उसका जो है फैक्ट एंड फिगर देख लीजिए, उसका डेटा क्या है, ताकि जब क्वेश्चन आप लोग जो अटेम्प्ट करें तो उसमें दिक्कत ना हो। है ना, क्या होता है बहुत सारे चीज जो है एक दूसरे में घुल मिल जाता है, तो वो चीज़ बहुत दिक्कत हो जाती है कि उसमें फायर ट्यूब था, ये वाटर ट्यूब, ऐसे तो मैंने फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बता दिया आप क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसमें कभी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसमें डेटा है, जैसे इसका डायमीटर कितना होगा, उसका ट्यूब का डायमीटर कितना होगा, कितना नंबर ऑफ ट्यूब उसमें रहता है, जो कहाँ यूज करेंगे, हॉरिजेंटल था, वर्टिकल था, ये सब चीज़ मैं बोल रहा। ठीक, तो एक क्या कीजिए, एक लिस्ट बना करके सिंपल वर्टिकल बॉयलर का अलग प्रॉपर्टी लिख लीजिए, स्कॉच मेरेन का अलग लिख लीजिए, लैंकाशायर का अलग लिख लीजिए, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में सबसे पहले मैं लैंकाशायर बॉयलर के बारे में बता दूंगा, उसके बाद मैं उसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। उसमें 2-3 बॉयलर और बचेंगे हम लोग का, जैसे कि हम लोग का बेंसन बॉयलर हो गया। इसमें जितना जनरली जो दिया गया हम लोग का क्वेश्चन जो जनरली है वो हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर पर है, ठीक, वाटर ट्यूब बॉयलर उतना नहीं है, लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है हम लोग का वो स्टीम इंजन पे है, जनरली जो इसका क्वेश्चन है आगे और स्टीम इंजन पे है, लगभग टोटल जो है 275 क्वेश्चन है इसमें, है ना, तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।